गाइस मैं किशोरी आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। अर्चना ने किया है सुंबुल खान को मोटिवेटर। सुंबुल को लगता है कि अभी उनको धोखा मिल चुका है और ये बातें जो है इवन अर्चना भी कहती हुई नजर आई है कि साफ दिल की है, पर ये आज के जमाने में जो चीजें हो रही है ना तेरे साथ, ये लोग तुझे धोखा देते हैं। जहां पर अर्चना ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो है सुंबुल को बोली है, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, शायद आने वाले एपिसोड में जो है ये चीजें आप लोगों को दिखाई जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अर्चना जो है वो सुंबुल के साथ काफी सारी बातें कर रही हैं, जो जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर आप और भी जानना चाहते तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर सुंबुल को जो है सुंबुल की बातें वो याद करवाती है कि तेरे पापा आए थे, तेरे पापा ने तुझे इतना समझाया, तभी भी तुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर भी पीछे पीछे चलती रही, ठीक है। अब जो है ये चीजें मत करना, मैं 27 साल की हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है 40 साल का है, और मैं कभी बुढ़ी भी बन जाती हूँ, मैं कभी जवान भी बन जाती हूँ, मैं कभी बच्ची भी बन जाती हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है मैं तुझे बता रही हूँ कि अब तू असली सुंबुल दिखा, सुंबुल कौन है। अभी तो वो चीजें रिपीट मत करना, अभी तो विश्वास मत करना किन्हीं भी चीजों पे, जो भी तेरे साथ हो जाए तो अपने आप को दिखा। तू बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छे पॉइंट रखती है, तो अपने आप पे फोकस कर और वैसा पॉइंट रख सामने कि भाई सब लोगों को दिखे कि भाई हाँ ये सुंबुल है, ना कि कुछ और चीजें कर। भाई कोई आया तो उसकी बात सुन ली और फिर तू वैसा ही करने लगी, वैसा तू ये सब चीजें मत कर। ये बातें जो है अर्चना सुंबुल को कहती हुई नजर आ रही है यहां पर। तो अभी आप बताइए कि आखिरकार अर्चना इतना सब चीजें सुंबुल को समझा क्यों रही है, वजह क्या है, आप लोग बताइए इस कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं आने वाली वीडियो में इसकी वजह जरूर आप लोगों को बताऊंगी। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।